देखिए इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका ड्रामा। ड्रामा के ही कई प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका सेंट्स प्ले। तो इस वीडियो में सेंट्स प्ले किसको बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में इसको समझेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। सेंट्स प्ले कब परफॉर्म किया जाता था, कैसे परफॉर्म किया जाता था, क्यों परफॉर्म किया जाता था, और एक टाइम ऐसा भी आया कि इन सब प्लेस पर बैन लगाया गया, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए क्या है यह सेंट्स प्ले। देखिए सेंट्स प्ले मतलब एक प्रकार का ड्रामा है, एक प्ले है, मतलब स्क्रिप्टेड फॉर्म में एक ड्रामा है जो परफॉर्म किया जाता था स्टेज पर, थिएटर में, लोगों के सामने में, पब्लिक के सामने में। और किसके बारे में होता था ये, किसी संत के द्वारा होता था, संत के ही बारे में होता था। सेंट्स मतलब संत, योगी, महात्मा, पीर, फकीर, जो अच्छे लोग होते थे, चर्च में बैठते थे। और पर्टिकुलरली ये जो सेंट्स प्ले होते थे ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन से संबंधित हैं, मतलब के सेंट्स प्ले एक रिलीजियस प्ले है। उस टाइम में ये देखा गया था कि ये प्ले जो हुआ करता था लीजेंड्स के ऊपर होता था, मतलब लीजेंडरी होती थी, किसकी, सेंट निकोलस की और सेंट वर्जिन मैरी की, या सेंट मैरी की मतलब मरियम द मदर ऑफ जेसस क्राइस्ट, उसके बारे में, और सेंट निकोलस जो फॉलोअर थे जेसस क्राइस्ट के, उसके बारे में। देखिए सेंटा क्लॉज ये जो है सेंट निकोलस के ही नाम पे पड़ा है, मतलब कि 19वीं सदी में, तो सेंटा क्लॉज उसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो उसके बारे में और सेंट वर्जिन मैरी के बारे में जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, लोगों को बताया जाता था, उसके लीजेंड्स को, लीजेंड्स का मतलब वो कहानी किससे जिसमें कुछ बातें सच भी हो और सच ना भी हो, मतलब के जो सुनी सुनाई बातें हैं पीछे के टाइम से चला आ रहा है, तो उसी के बारे में कुछ किस्से, कहानियां, इवेंट्स, उसके ऊपर ड्रामा परफॉर्म किया जाता था और लोगों को दिखाया जाता था। तो वो आपका सेंट्स प्ले है। तो क्योंकि सेंट्स प्ले मिरेकल दिखाया जाता था और ये वर्जिन मैरी के बारे में होता था, तो इसलिए हम इसको मिरेकल प्ले भी बोलते हैं और मैरी प्ले भी बोलते हैं। मिरेकल का मतलब क्या है, मिरेकल का मतलब होता है वो चमत्कार, वो चीज, मतलब जो गॉड के तरफ से किसी पर्सन को दिया जाता है। जैसे कि जेसस क्राइस्ट जो है मुर्दों को जिंदा कर देते थे, या फिर एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है खुद जेसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए थे विदाउट फादर के, इसीलिए मरियम को वर्जिन मैरी बोलते हैं, क्योंकि वो वर्जिन है, विदाउट मैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई। तो मिरेकल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर्स, चमत्कार वाली चीज, मतलब ऐसे इवेंट जो गॉड के तरफ से हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए सेंट्स प्ले के बारे में एक बार ऐसा भी आया था एक टाइम जब इसको बैन किया गया था, कब बैन किया गया था उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से खत्म करेंगे इस वीडियो को। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्ले जो है, इस टाइप के जो प्लेज हुआ करते थे, रिलीजियस प्लेज हुआ करते थे, 10वीं सेंचुरी से 16वीं सेंचुरी तक परफॉर्म किया जाता रहा है। और इसमें जो है कई प्रकार के ड्रामास होते थे, जैसे मिरेकल प्लेज है, मिस्ट्री प्लेज है, ठीक है। तो उसी में से आपका एक सेंट्स प्ले है, तो मिरेकल प्ले और सेंट्स प्ले दोनों सेम ही है, उसको हम मैरी प्ले भी बोलते हैं। तो मिरेकल प्ले या सेंट्स प्ले जो है इसमें से ज्यादातर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जो उस टाइम में परफॉर्म हुआ था, और स्क्रिप्टेड फॉर्म में अगर रिकॉर्ड में था तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रिफॉर्मेशन जब आया इंग्लैंड में, और रिफॉर्मेशन कब आया, 1527 में रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया गया था किंग हेनरी 8th के द्वारा। तो उन्होंने जो है इस टाइप के जितने भी रिलीजियस प्लेज होते थे और ख़ासतौर से जिनका लिंक होता था कैथोलिक चर्च से, उनको बैन कर दिया गया, और बहुत सारी चीज़ों को बैन किया गया था किंग हेनरी 8th के द्वारा, और उनके जितने भी एक्ट और प्रोसेस थे उसमें चेंजिंग लाया और अपना एक्ट और प्रोसेस बनाया, मतलब के पूरी तरह से जो चर्च हैं, कैथोलिक चर्च है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब
कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद भी कुछ प्लेज जो है इंग्लिश रिकॉर्ड में बचे रह गए थे, जिसमें से एग्जांपल है आपका द डिग्बी कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल है, इसी तरह से द डिग्बी प्ले ऑफ मैरी मैगडलिनी, मतलब के मरियम मैगडलिनी है, ये भी फॉलोअर है जीसस क्राइस्ट के। इसकी हिस्ट्री कुछ और भी मिलती है, वो आप जा करके देख सकते हैं कहीं भी बुक में या कहीं और जगह। इसी तरह से थर्ड में है द क्रॉक्सटन प्ले ऑफ सैक्रामेंट, ये सब कन्वर्जन है, कन्वर्जन कन्वर्जन के बेस पर ये सारे प्लेस हैं, और कुछ चंद यही सब रिकॉर्ड मिलते हैं, बाकी और सारे रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सेंट्स प्ले को, मतलब सेंट्स प्ले मतलब मिरेकल प्ले या मैरी प्ले को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।